गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन फर्टिलाइजर पहुंचकर वहां के अधिकारियों के साथ बैठक ली, कार्य किस तरह से प्रगति पर चल रहा है इसका डेमो देखा। उसके बाद उन्होंने पूरे फर्टिलाइजर कारखाने का निरीक्षण किया और फर्टिलाइजर के विकास कार्यों को देखकर सांसद रवि किशन शुक्ला अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जनता के लिए मुख्यमंत्री ने जो सपना देखा था वह साकार होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को अब पंख लगता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद दिया, गोरखपुर की जनता की तरफ से दिया। सांसद ने कहा कि गोरखपुर फर्टिलाइजर में 3 लाख टन यूरिया यहां रोज बनेगा, अब यूरिया बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा क्योंकि गोरखपुर खुद सक्षम होगा यूरिया को दूसरी जगह पर भेजने के लिए। बहुत जल्द ही गोरखपुर के लिए और पूरे पूर्वांचल के लिए पर्याप्त खाद फर्टिलाइजर से ही उपलब्ध होगी और इस प्रोजेक्ट से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, गोरखपुर का आर्थिक विकास और तेज़ी से होगा। निरीक्षण के समय फर्टिलाइजर के सीनियर VT DK दीक्षित, सीनियर मैनेजर सुबोध दीक्षित, चीफ मैनेजर RL लाल, इंजीनियर मैनेजर SP सिंह आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया। संत जी, आप यहाँ पे फर्टिलाइजर का निरीक्षण करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर, एक इतिहास होगा, इतिहास रचेंगे। 2021 में शुरू हो जाएगा और उत्तर प्रदेश को, पूर्वांचल को, गोरखपुर को इतना फायदा होगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, 4,000 टन यूरिया यहाँ प्रोड्यूस होगी। एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है, इतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग पूरे विश्व में कहीं नहीं जहाँ पे यूरिया प्रोड्यूस होगा। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ऐतिहासिक स्ट्रक्चर जहाँ पर यूरिया प्रोड्यूस होगा और इतने लोगों को और कई लाखों लोग इससे रोजगार से इफेक्ट होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत लोगों की जिंदगी में खुशियाँ आएंगी और हिंदुस्तान का नाम होगा, उत्तर प्रदेश का नाम और ऊंचा होगा। ये प्रोजेक्ट, ये प्लांट जिस दिन शुरू हो